हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे यूट्यूब चैनल। आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा से फिर हाजिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो इस एतबार से इंफॉर्मेटिव है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जब अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करते हैं या अपनी डिवाइस चेंज करते हैं, कोई नया मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं या टेम्प्रेरी तौर पर उनको किसी और मोबाइल पर स्विच होना पड़ता है, तो उनको इस दौरान में जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है, जो सबसे बड़ी दुश्वारी उनके लिए होती है, वो होती है कॉन्टैक्ट्स का वहाँ पे शिफ्ट करना और कॉन्टैक्ट का वहाँ पे जाने के बाद डुप्लीकेट हो जाना। एक ब्लाइंड पर्सन की लाइफ में ये प्रॉब्लम एक मामूली हैसियत रखता है, इसलिए कि आँखों वालों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब आप कॉन्टैक्ट को मैनेज करते हैं, कॉन्टैक्ट्स आप रखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, समटाइम ऐसा होता है कि आँखों वालों को भी ये दिक्कत पेश आती है कि एक कॉन्टैक्ट दो नामों से या एक नाम दो कॉन्टैक्ट दो नंबरों में चला जाता है, तो इसकी वजह से दिक्कत पेश आती है। समटाइम ऐसा होता है कि एक ही नाम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी उसका एक ही होता है, लेकिन थोड़े बहुत स्पेलिंग की तब्दीली के साथ या जहाँ पर हमने कैप्स लॉक वगैरह को यूज़ किया होता है, अपर कैप्स में या लोअर कैप्स में लिखा होता है, इतने से डिफरेंस के साथ हमारे कॉन्टैक्ट सेव होते हैं। लेकिन जब हम जीमेल से अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें बेशुमार कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलते हैं और हमारे पास सम टाइम एक कॉन्टैक्ट चार चार पाँच पाँच दफ़ा भी आता है। एक ब्लाइंड पर्सन को ये दिक्कत पेश आती है कि उसके पास जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो हंड्रेड्स की तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको एक तरीक़ाकार बताने लगा हूँ जिसके तहत एक ब्लाइंड पर्सन जीमेल के अंदर रहते हुए अपने डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकता है और किसी हद तक उसके ऊपर काबू पा सकता है। बाकी कुछ और ट्रिक्स और टिप्स होती हैं जिनके ज़रिए आप अपने कॉन्टैक्ट को वक्तन फ़वक्तन रिफ़ाइन करते रहते हैं और उनमें से अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स को या डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स को निकालते रहते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जीमेल अकाउंट के अंदर रहते हुए और जीमेल के आईडी को यूज़ करते हुए हम जो अपने कॉन्टैक्ट हैं उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए हम तो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर मैंने फोल्डर गूगल गूगल फोल्डर को तलाश कर लिया है। इसके ऊपर मैं डबल टैप करूंगा। फोल्डर ओपन पेज 1 of 1 गूगल एड एप्स सेलेक्ट गूगल क्रोम जीमेल। यहां मैं आ गया हूं जीमेल पे और जीमेल में मैं करता हूं डबल टैप। इनबॉक्स सर्च इन मेल ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन। ये यही सारा यहां पे काम है और यहीं पे हमने सारी अपनी जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन एक चीज यहां पे क्लियर करता चलूं कि एक स्टेप जो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ और वो आप लोगों को करना है, और वो ये कि अगर आपने प्ले स्टोर से कॉन्टैक्ट नाम की एक एप्लीकेशन जो कि जीमेल के साथ कंपेटेबल है, अगर उसको आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो इस प्रोसेस में हो सकता है कि वो आपको सबसे पहले ये कहे कि आप अपनी जीमेल के अंदर रहते हुए इस ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कर लीजिए। मैं चूँकि कर चुका हूँ इसलिए मुझे अब ये दिक्कत पेश नहीं आएगी। मैं इस बटन के ऊपर अब डबल टैप करूंगा जो कि मोर बटन है। नेविगेशन मेन्यू नेविगेशन सेंड 10 इन लिस्ट बहुत कुछ आता है। स्केड्यूल्ड आउटबॉक्स ड्राफ्ट्स थर्ड ऑल मेल स्पैम 1 ट्रैश कॉल लॉग एसएमएस अनसब्सक्राइब अनवांटेड गूगल एप्स कैलेंडर कॉन्टैक्ट्स। हमारी वांटेड चीज यहां पे है कॉन्टैक्ट। डबल कॉन्टैक्ट के ऊपर डबल टैप कर लिया तो मेरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बैकअप एंड सिंक डिवाइस कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली सेव डिवाइस कॉन्टैक्ट्स एज गूगल कॉन्टैक्ट्स। गूगल कॉन्टैक्ट्स आर अवेलेबल अक्रॉस गूगल सर्विसेज एंड कैन बी मैनेज्ड ऑन एनी साइंड इन डिवाइस। लर्न मोर चेंज दिस एनी टाइम इन कॉन्टैक्ट्स सिंक सेटिंग्स अकाउंट फॉर बैकअप एंड सिंक माई विजन वहीद विजन एट gmail.com टर्न ऑन बैकअप एंड सिंक बटन नो थैंक्स बटन।
वो यहाँ पे मुझे एडवाइस कर रहा है कि आप अपना सिंक बटन जो है उसको हर वक्त ऑन रखेंगे ताकि आपके कॉन्टैक्ट जो हैं जो आपकी डिवाइस में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो आपके जीमेल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं ये आपस में सिंक होते रहें। अगर आप अपनी डिवाइस में से किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करेंगे तो वो हमारे जीमेल अकाउंट से भी उस कॉन्टैक्ट को रिमूव कर देगा, और अगर हम अपने डिवाइस के ऊपर किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करेंगे तो हमारे जीमेल अकाउंट के अंदर भी ये कॉन्टैक्ट जो है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लिहाजा मैं ये वाला जो ऑप्शन टर्न ऑन बैकअप एंड सिंक बटन इसको डबल टैप कॉन्टैक्ट सिंक विल स्टार्ट सून कॉन्टैक्ट्स सर्च कॉन्टैक्ट्स एडिट बॉक्स। अब ये मुझे कह रहा है कि बैकिंग अप 12 कॉन्टैक्ट्स बैकिंग अप 12 कॉन्टैक्ट्स। अब वो ये मुझे बता रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट जो हैं वो रिसेंटली जो आपका ये जो टास्क चल रही है ये कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये कॉन्टैक्ट जो हैं ये सिंक होना शुरू हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स सर्च कॉन्टैक्ट्स एडिट बॉक्स कॉन्टैक्ट्स। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन बटन मौजूद हैं, एक है ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन चेक्ड कॉन्टैक्ट्स 1195 ये मेरे कॉन्टैक्ट की तादाद बता रहा है, और यहाँ पे वो कह रहा है मर्ज एंड फिक्स। यहाँ पे अगर मैं कॉन्टैक्ट को कुछ मर्ज करना चाह रहा हूँ फिक्स करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं डबल टैप करके इसको देख लेता हूँ ये है क्या बेसिक मर्ज एंड फिक्स ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन। इसमें वो कह रहा है इजी वेज टू फिक्स अप योर कॉन्टैक्ट्स गेट हेल्प मर्जिंग डुप्लीकेट्स एडिंग यूजफुल डिटेल्स एंड मोर इन लिस्ट। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आप इजीली अपने कॉन्टैक्ट जो कि डुप्लीकेट हो रहे हैं उनको आप मर्ज कर सकते हैं और आप अपने कॉन्टैक्ट को इजी कर सकते हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन है Merge duplicates. Review 63 people with duplicate listings. मेरे पास 63 people ऐसे हैं जो कि duplicate हो रहे हैं और इनको मैं चाहूँ तो मैं इनको merge कर सकता हूँ. Add people you email often. Review 2 suggestions. तो मैं जो 63 people हैं इनको manage करता हूँ आपके सामने. Merge duplicates. Review 63 people with duplicate listings. मैं इसके ऊपर double tap कर देता हूँ. तो अब मेरे पास वो 63 people की links आ गई है. जिसमें कुछ मेरे दोस्तों के नाम हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो दो दो दफ़ा मेरे पास सेव हो रहे हैं। अगर उनकी मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो आपके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं उस ऑप्शन पे कि अगर मैं चाहूं किसी कॉन्टैक्ट को सिंगल कॉन्टैक्ट को तो उसको भी मैं मैनेज कर सकता हूँ अलहदा से भी कर सकता हूं। जैसा कि मेरा पास एक कॉन्टैक्ट है टू डुप्लीकेट्स फॉर अकील मेडी इन लिस्ट। अब ये मुझे बता रहा है कि टू डुप्लीकेट्स फॉर अकील मेडी टू डुप्लीकेट्स फॉर एटी अकील मेडी 030 अकील मेडी 030023634894 कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है नेम भी एक है लेकिन ये दो दफा सेव हो गया हुआ है तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिसमिस बटन। मैं अगर डिसमिस करूंगा तो ये कॉन्टैक्ट डिसमिस हो जाएगा। मर्ज बटन मर्ज बटन करूंगा तो ये कॉन्टैक्ट मर्ज हो जाएगा लेकिन 63 लोगों को मैनेज करना टाइम लगेगा मेरे लिए तो मैं डायरेक्टली जो ऑप्शन है मेरे पास मर्ज ऑल बटन आउट ऑफ लिस्ट मर्ज ऑल मैं इसके ऊपर डबल टैप करके देखता हूं कि जब मैं इसको मर्ज ऑल करता हूं तो फिर क्या होता है। मर्ज ऑल मर्ज 63 डुप्लीकेट्स योर कॉन्टैक्ट्स विल मर्ज इन द क्लाउड। It may take some time for these changes to sync to your device. तो अब वो मुझे बता रहा है कि इसके बाद आपके जो कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट हो रहे हैं वो आपके क्लाउड के ऊपर भी जो पड़े हैं वो भी मैनेज हो जाएंगे और डिवाइस पे भी मैनेज हो जाएंगे। और इसके बाद मेरे पास आ रहा है No next link. No next cancel button. और Okay button. Okay button पे मैं करता हूं डबल टैप। Merging contacts. अब ये मर्जिंग कॉन्टैक्ट्स का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। एक बार है जो कि कंप्लीट होती है फिर पीछे चली जाती है और फिर कंप्लीट हो रही है कि एक सिलसिला चल रहा है यहाँ पे बार के चलने का ग्राफिकली और इसके बिहाइंड में एक प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टैक्ट का और इसके ऊपर हमारा टॉकबैक जो है वो खामोश रहेगा कुछ नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो ग्राफिक्स में हो रहा है। 63 merged merge and fix open navigation drawer button तो वो मुझे बता रहा है easy ways to fix up your contact Add people you email often. Review 2 suggestions. मेरे 63 जो लोग थे जो डुप्लीकेट हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली मर्ज भी हो गए हैं और फिक्स भी हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक छोटी सी एफर्ट से अपने जो डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स थे उनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है और यहाँ से बैक बटन अगर बैक बटन से वापस जाता हूँ तो अब मेरे जो कॉन्टैक्ट की जो लिस्ट है उसमें PAJI
अब वो डुप्लीकेट नहीं होंगे मेरे कॉन्टेक्ट। अब मैं अपने कॉन्टेक्ट की ओपन नेविगेशन मेन्यू मर्ज एंड फिक्स चेक्ड कॉन्टेक्ट्स 1130। मेरे कॉन्टेक्ट 1130 जितने थे उतने ही हैं, लेकिन इनमें जो 63 कॉन्टेक्ट जो मेरे डुप्लीकेट हो रहे थे वो अब यहाँ से खत्म हो गए हैं और अब मेरे कॉन्टेक्ट बिल्कुल लाइन अप हो चुके हुए हैं। अब जो मेरे पास ऑप्शन 2 में आ रहा था मर्ज एंड फिक्स, अगर मैं इसके ऊपर डबल टैप दोबारा भी करूंगा तो अब इसका मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इनको मर्ज कर दिया हुआ है। और इसके नीचे कुछ ऑप्शन है, कोवर्कर्स आइस डस्ट क्रिएट लेबल सेटिंग्स हेल्प एंड फीडबैक। इसमें यहाँ पे ये फीचर्स मौजूद हैं और यहाँ पे एक जो बड़ा कारामद फीचर मौजूद है जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में एक और वीडियो बनाने वाले हैं, वो है क्रिएट लेबल। क्रिएट लेबल्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो देखेंगे। ये भी एक डिमांडिंग वीडियो है, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने बताया था कि हम अपने जीमेल में अपनी मर्जी के फोल्डर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम दे के किस तरह से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो टिप है और आज की जो ट्रिक है वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और इससे आप अपने कॉन्टैक्ट को ना सिर्फ के मैनेज कर सकेंगे बल्कि आप बहुत बड़ी दुश्वारी से भी छुटकारा पा सकेंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यकीनन आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर गलती से आप इस चैनल के ऊपर अभी सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी आपको ऑन रखना है ताकि एंड्रॉयड ब्रांड कैफे पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आपको फौरी तौर पे मिल जाया करे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।